वेल, जब एनिमी आता है सामने तो अचानक से एनिमी रुक जाता है। इंटरनेट का बहुत ही इशू देखने को मिलता है, मतलब एनिमी भागता रहता है मगर आप उसे मारते रहे तो एनिमी का कुछ नहीं होता, आखिर में आप ही मर जाते हो। तो इसे पिंग कहते हैं, आप सभी को पता होगा। एंड जो इस पिंग का सोल्यूशन मैं आज के इस वीडियो में देने वाला हूँ, आज के इस वीडियो में, जी हाँ दोस्तों। तो मैंने देखा आप में से सभी लोग फ्री फायर खेलते हो एंड काफ़ी प्रो प्लेयर्स है, तो मैं प्रो प्लेयर्स की बात कर रहा हूँ, मतलब जो लोग काफ़ी अच्छा फ्री फायर खेल लेते हैं एंड एंड वक्त पे ही, मतलब जब एनिमी आता है सामने से आपको मारना होता है तो आपके इंटरनेट आपका साथ नहीं देता है ना, आप गए हो, आप नूब कहलाओगे, तो ऐसा ही मजाक होता है आपका। तो आज के इस वीडियो में इस पिंग का सोल्यूशन देके आ चुका हूँ, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर से देखना। तो मैंने कल एक पोल रखा था, पोल नहीं, कल एक पूछ किया था कम्युनिटी में कि आपका कौन सा लेवल चल रहा है फ्री फायर में, तो सभी का यार भाई प्रो प्लेयर से 50 लेवल प्लस चल रहा है। तो भाई मेरा भी 50 लेवल था, मैं 50 लेवल पर ही गेम छोड़ दिया था फ्री फायर, करीब 6 महीने पहले मैं फ्री फायर छोड़ दिया, 6 महीने, उससे पहले भी मैंने ब्रेक लिया था एंड 6 महीने पहले भी मैंने छोड़ दिया था एकदम परमानेंट। तो अभी मैं फ्री फायर नहीं खेलता, तो आप सब खेलते हो, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर से बता सकते हैं। तो आप लोग तो काफ़ी अच्छा गेम को और भी एनहेंस करने के लिए आज का ये वीडियो है, तो ज़्यादा वेस्ट नहीं करके आज के इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं एक ज़बरदस्त ट्रिक, इसको आपको ज़रूर से अप्लाई करना पड़ेगा। वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखना यार, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वीडियो को एंड तक पूरा ज़रूर से देखना, क्योंकि एक एक स्टेप इंपॉर्टेंट है एंड अगर आप सारे स्टेप्स कंप्लीट करते हो सेम टू सेम तो आपके मोबाइल में पिंग इशू बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। तो ज़्यादा वेस्ट नहीं कर आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं, मगर उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। 100 के सब्सक्राइब से काफ़ी ज़्यादा करीब होने वाला आपके लिए सरप्राइज। सोल्यूशन आज लेके आ चुके आप ही के सामने, कोई वीपीएन ट्रिक नहीं, कुछ भी नहीं है, एक यूनिक मेथड आपके लिए लेके आ चुका हूँ, एक नहीं आपके लिए मैं 2 ट्रिक लेके आ चुका हूँ। अगर पहला वाला वर्क ना करे तो दूसरा वाला जरूर से कीजिए। तो अभी आप नोटिस करो कि यहाँ पे आपको एक सिम इजेक्टर टूल देखने को मिल जा रहा है, जिससे कि आपको सिम को ओपन करना है। मैं आपको दिखा देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं करता हूँ अपने सिम को ओपन एंड आप देखो तो मेरा सिम आ चुका है। ये सिम है आइडिया, यानी अभी जो आइडिया एंड वोडाफोन है मर्ज हो चुके हैं एंड वी आई सिम हो चुका है, तो ये रहा मेरा आइडिया सिम यानी वी आई सिम। तो इसको हम सिंपली से यहाँ पे एंटर करके दिखाते हैं, तो हमने इस वाले सिम को एंटर कर दिया। आपको पता है कि अभी करेंटली वी आई सिम में काफी ज्यादा पिंग देखने को मिल रहा है, 200, 300, 500, 1000, 1000 नहीं 999 प्लस होता है, तो काफी ज्यादा पिंग देखने को मिलता है। तो आज उसी का सोल्यूशन लेकर मैं आ चुका हूँ, एक नहीं 2 ट्रिक लेके आ चुका हूँ। तो पहला बार ट्रिक तो 100% वर्किंग है, पर कुछ मोबाइल में ये वर्क नहीं करता, तो इसके लिए आपको सेकेंड ट्रिक को यूज करना ही पड़ेगा। तो पहला जो ट्रिक है वो काफी आसान है, पहला ट्रिक मैंने ऑलरेडी अप्लाई करके रखा है। तो पहला जो ट्रिक ये है कि आपके फॉर एग्जांपल इस सिम में आप फ्री फायर खेल रहे हो तो आपका पिंग हाई आ रहा होगा, तो उसमें से आप क्या करिए, तो इस सिम को आपको सिंपली से ओपन कर लेना पड़ेगा। सिम को खोलकर आपको किसी दूसरे मोबाइल पर लगाना पड़ेगा, सुनिए ध्यान से सुनिए। इस सिम को ओपन करके, मैं ओपन करके अभी नहीं दिखा रहा, इस सिम को ओपन करके आपको दूसरे मोबाइल पे लगाना पड़ेगा एंड दूसरे मोबाइल से हॉटस्पॉट ऑन करके यहाँ से वाईफाई में आपको इस मोबाइल में चलाना, तो आपका पिंग का सोल्यूशन 100% सॉल्व हो जाएगा। मैंने खुद ही ट्राई किया, मैंने इस सिम पर फ्री फायर खेला तो मुझे पिंग काफी ज्यादा हाई मिल रहा है, मगर जब इस सिम को मैंने दूसरे मोबाइल पे लगाकर हॉटस्पॉट चलाया एंड इस मोबाइल से फ्री फायर खेला तो पिंग काफी लो, 100 है, 150 है, 100 से भी कम पिंग देखने को मिल रहा है, यानी ये 100% ट्रू है। आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आप हॉटस्पॉट यूज कीजिए सेम सिम में, मगर मोबाइल की फ्रीक्वेंसी के हिसाब से आपका पिंग हाई होता है। तो ये तो था पहला ट्रिक, अगर पसंद है तो लाइक करना, ये जी अप्लाई जरूर से करना, अगर ये अप्लाई ना हो तो अब सेकंड ट्रिक की तरफ चलते हैं, जो कि काफी आसान है। आपको सिंपली जाना पड़ेगा अपने मोबाइल डेटा पर, आपको लॉन्ग प्रेस करना पड़ेगा, आपको सिम वाले सेक्शन पे आ जाओगे। तो देखो तो ये है मोबाइल डेटा, इसको हम लॉन्ग प्रेस करते हैं एंड सिम वाले सेक्शन पे आ चुके हैं। अगर आपको नहीं हो रहा तो मैं आपको सेटिंग्स में जाकर देखा, तो ये रहा हमारा मोबाइल का सेटिंग्स, आपके मोबाइल का सेटिंग्स ओपन करना पड़ेगा, ना वो जाना पड़ेगा सिम कार्ड एंड मोबाइल डेटा सेम ही है। इसके बाद आपको जाना पड़ेगा अपने ईपीएन सेटिंग्स में, ईपीएन सेटिंग्स में जाने के लिए आपको जाना पड़ेगा सिम 1 पर, उसके बाद से आपको देख सकते हैं एक्सेस पॉइंट नेम का एक ऑप्शन है, इसको आपको क्लिक करना पड़ेगा। अब ये आइडिया इंटरनेट आना है आइडिया एमएमएस, इसको आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा,
तो क्या क्या चेंज करना पड़ा आपका अभी देखा है, तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखते रहना। इसको सिंपली से ओपन करना पड़ेगा एंड इसको जो एडिट है आपका कुछ और बटन भी आ सकता होगा, तो यहाँ पे आपको आना पड़ेगा एंड आपको कुछ सेटिंग्स को चेंज करना पड़ेगा, जैसे कि नेम चेंज करना पड़ेगा, ये पिन चेंज करना पड़ेगा, ये सभी चेंज करना पड़ेगा एंड क्या क्या जो वैल्यू है मतलब नेम में क्या रखना पड़ेगा, मैंने इस सभी का लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ पे आपको एक इमेज मिल जाएगा, उस इमेज पर आपको सारा कुछ देखने को मिल जाएगी कि नेम में क्या है। आप चाहो तो देख सकते हो, उससे पहले आप इसको देख लीजिए ताकि आपको बेटर समझ में आए। आपको नेम में देना पड़ेगा, अगर आपको IDSC में तो ID, अगर फोडाफोन सिम में तो फोडाफोन रह लीजिए। उसके बाद आपको एक स्पेस देना पड़ेगा, स्पेस देने के बाद 4G लिखना पड़ेगा, 4 एंड कैपिटल G, तो ये आपको लिखना पड़ेगा। आपको वोडाफोन है तो स्पेस देकर वोडाफोन 4G लिखना पड़ेगा। उसके बाद APN पे आपको इंटरनेट रखना पड़ेगा, कुछ भी चेंजेस नहीं करना पड़ेंगे। उसके बाद ये सभी आपको कुछ भी चेंजेस नहीं करना पड़ेंगे एंड ये सभी मेक श्योर कि आपका ये जो APN टाइप है, APN टाइप में आपको थोड़ा सा नीचे पड़ेगा, APN प्रोटोकॉल ये वाला पे ऑप्शन में सिलेक्ट कर लो IPv4/IPv6। उसके बाद से ये भी IPv4/IPv6 एंड उसके बाद से जो VRR है इसको आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा एंड इसका आपको जो अनस्पेसिफाइड पर टिक, इसका आपको टिक हटाना पड़ेगा एंड नीचे से 5 पर टिक करना पड़ेगा, 1, 2, 3, 4, 5। अगर आपको सिर्फ LTE है और कुछ भी नहीं है तो आप सिर्फ LTE पर सिलेक्ट कर सकते हैं, तो मेरे पास सभी है तो मैं यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 पर क्लिक करता है। उसके बाद आपको करना पड़ेगा बैक एंड फिर से कर देना पड़ेगा सेव एंड ये सभी वैल्यूज मैं दे चुका है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाके भी आप कर सकते हो। एंड इसमें एक ध्यान रखने वाली बात है, जब आपका फ्री फायर खेलना हो जाए तो आपको भूलना मत कि आपको यहाँ पे क्लिक करके रीसेट कर देना पड़ेगा। रीसेट करने के बाद आपका इंटरनेट जो कि नॉर्मल हो जाता है, वरना आप कॉल वगैरह नहीं कर पाएंगे, तो आपको रीसेट करना जरूरी है गेम खेलने के बाद। उसका सब करते हैं फ्री फायर को ओपन, तो ये रहा हमारा फ्री फायर, यहाँ पे वो कर लेते ओपन, देखते कितना पिंग देखने को मिलता है। तो अभी मैं फ्री फायर ऑलरेडी खेल रहा था तो अभी मैं बैक कर रहा हूँ एंड फिर से आपको ओपन करके दिखा। तो ये रहा फ्री फायर जो कि है नेटवर्क आपको, सॉरी मैं भूल गया है, ये एक मेन चीज है आपको करना ही पड़ेगा। पहले तो इस फोटो को हटा देता हूँ, आपको उससे भी सेटिंग्स करने को आपको एक एयरप्ले मोड को एक बार ऑन करना पड़ेगा एंड फिर से ऑफ कर देना पड़ेगा, उसका नेटवर्क जो कि रिफ्रेश हो जाएगा। अभी आपको करना पड़ेगा ओपे, तो ड्रेस मेरा काफी बेकार है क्योंकि देख सकते अभी मेरा फाइल जो कि डाउनलोडिंग हो रहा है यहाँ से, तो खेलने वाला तो हूँ नहीं मैं फ्री फायर, तो डिलीट ही कर दूंगा क्योंकि अच्छा नहीं लगा। तो अभी हम करते हैं बायम्यूटा मैप पर क्लिक एंड स्टार्ट पर मैं आपको क्लिक करते हैं एंड काफी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि मैं अपने कलेक्शन दिखाओ, तो मैं छोटा सा एक दिखा देता हूँ कलेक्शन, क्योंकि मेरे पास ज्यादा कुछ है नहीं क्योंकि मैंने काफी महीने पहले फ्री फायर खेलना छोड़ दिया था। तो देखते हैं हम कलेक्शन में क्या। छोड़ दीजिए, तो अभी हम सिंपली से फ्री फायर को प्ले कर लेते जल्दी से, तो देखते इसका पिंग कैसा आता है। तो फाइनली दोस्तों देखते हैं, भाई नाक मत कटवाना यार। ओके, तो आप देख सकते हो हमारा ट्रिक 100% वर्क कर गया। आप देख सकते हो पिंग काफी कम है, 96-98 ही पिंग, मतलब ज्यादा नहीं हो रहा, तो हमारा ट्रिक सक्सेसफुली वर्क कर गया है। तो आप भी जरूर से वर्क करना है, सॉरी करना इस ट्रिक को अप्लाई करना एंड डिस्क्रिप्शन में चेक जरूर से करना, क्योंकि वहां पे मैंने सब कुछ बता दिया आपको कैसे ट्रिक करना पड़ेगा। अगर आपको वीडियो देखकर समझ नहीं आया तो आप उस आर्टिकल को पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलता है अगले वीडियो पे, वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर से कर देना।